नमस्ते साथियों, बीके नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं महेंद्रगढ़ सार्वजनिक प्राकृतिक चिकित्सालय में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर भंवर सिंह, नेचुरोपैथी सेंटर के संचालक। और आज ये होली का एक पावन अवसर है जिस पे मड बाथ का स्पेशल एक उत्सव सा मनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे हमारे आसपास जो भी यहाँ पे बैठे हैं, सभी मिट्टी लेपन करे हुए। और हम इस मिट्टी लेपन मड बाथ के बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है। तो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। सबसे पहले तो BKN सोशल मीडिया ग्रुप का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे कार्यक्रम को एक समायोजित तरीके से आपने कवरेज किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार मेरे और मेरी संस्था की तरफ से। और मैं देखिए सुरेंद्र जी, ये पिछले हमें 2013 से आपके कहे अनुसार ही हमने ये मुहिम चालू की थी, और 2013 से कंटिन्यू ये चला, ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। और अब की बार आपने ये 11वीं बार किया है। जी 11वीं बार किया है। और इसमें आपने देखा होगा लोगों ने कितने प्रशंसित और दूर दराज से खूब सारे आए हैं, सीमा से भी आए हैं, अटली से भी आए हैं, और बहुत ही अपने अपने क्षेत्रों के जो धुलंधर जो है वो सभी आए हुए हैं यहाँ पे, और सभी प्रशंसित होके और मडबाथ का आनंद लिया है और जलपान के भी आनंद लिया है, और बड़े ही प्रशंसित भाव से इन्होंने होली ये मिलन समारोह के रूप में मनाए, इसमें सम्मिलित हुए और आनंद लिए थे। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मिट्टी में क्या क्या औषधियाँ मिलाई गई है। देखिए, ये हमने जो होली का त्यौहार माना है, इसको रंगों का त्यौहार धुलंडी, बाकी हम मानते हैं कि जो रासायनिक पदार्थों की वजह से केमिकल युक्त जो रंग होते हैं वो हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, और वो छोड़ते भी हैं, उनका असर आता है हमारी बॉडी पे। तो उसी को हम ख़त्म करने के लिए और उसको उस प्रणाली को हम ख़त्म करने के लिए मड बाथ का चलन किया है हमने। और ये मड बाथ का लेने का क्या कारण है, इसमें हमें पंचतत्व की प्राप्ति होती है। इसमें मड बाथ दिया है तो मिट्टी तत्व की प्राप्ति हुई है, जल तत्व की प्राप्ति हुई है, खाली पेट लिया है तो उपवास तत्व की प्राप्ति हुई, आकाश तत्व की, और वायु तत्व का जो हम खुले में कर रहे हैं जो वायु तत्व की भी हमें प्राप्ति हो रही है। ऐसे के न चाहते हुए भी हम प्राकृतिक चिकित्सा के पंच महाभूतों से जो चिकित्सा होती है उन पंच महाभूतों का रस पान हम कर पा रहे हैं इस मिलन के रूप में। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने आते ही देखा कि मिट्टी के ऊपर चंदन, नीम की छाल और हल्दी, और इस तरह से करीब 10-12 औषधि मिलाई हुई थी जी। तो उनका भी जैसे त्वचा के अंदर कोई ऐसा असर होता होगा, जैसे हम अगर डेली करें या फिर किस हिसाब से करें जी। देखिए, एक तो औषधि मिट्टी तो अपने आप में हो संपूर्ण औषधि है ही है, और इसमें हमने अल्प अवधि में हमने इसको भिगोया है तो इसमें जर्म्स वगैरह पैदा न हो, रहे हुए तो ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमने कुछ औषधियाँ इसमें तैयार की गई हैं। जैसे इसमें लाल चंदन बुरादा डाला है, इसमें नीम है और गिलोय है उसका काढ़ा डाला है, इसमें गुलाब जल सुगंध के लिए गुलाब जल भी डाला है, गुलाब जल की पंखुड़ियों का चूर्ण भी डाला है इसमें, और आप गौमूत्र लाए हो, गोबर डाला है इसमें, हाँ, तो वो त्वचागत बहुत ही बेनिफिट वाला के कार्य करते हैं। आखिरी सवाल, जैसे कोई घर पे करना चाहे जी, तो कितने दिन में कर सकता है, जैसे ज़्यादातर अनुमान गर्मियों में ही होता है। हाँ, गर्मियों में। तो ये जैसे किस हिसाब से, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार गर्मियों में सप्ताह में एक बार ये कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं, दो बार भी कर सकते हैं, आपके समय अपलुप्तता के मतलब आपका जितना समय है समय अनुसार आप, और जितना सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार आप जब भी चाहें आप कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। और सर्दियों में इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी एकदम जी, और इसलिए गर्मियों में तासीर शरीर को ठंड चाहिए, तो इसलिए जी गर्मियों में। जैसे कि सबसे बड़ा महत्व इसमें चर्म रोगों में होता है जी,
सोराइसिस वाले बहुत से पेशेंट परेशान रहते हैं जी, तो सोराइसिस वाले और चर्म वालों को मतलब कि ऐसी मिट्टी में क्या औषधि मिला के लगाएं ताकि वो घर पे भी अपना यदि कोई दूर दराज का है तो वो स्वस्थ। इसमें सबसे उत्तम है गोमूत्र या गोमूत्र और गोबर का वो डाल के इसमें मिट्टी में मिक्स करके वो भी आप लगा सकते हो, या फिर इसमें जल जलाई जो होती है सत्यानाशी जो होती है या ये जल जलाई होते हैं ना, कूट पीट के उसका उसका पंचांग लेके उसको बॉईल करके उसका पानी को भिगो के और उसका भी कर सकते हैं। वो जैसे चर्म रोग वाले डेली भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं जी, चर्म रोग वाले लगभग महीना दो तीन महीना अगर लगातार करते हैं कंटिन्यू लगभग महीने डेढ़ महीने कर लें तो जड़ मुक्त हम उस रोग का नाश कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक्स।